सो हेलो गाइस एंड नाउ आई एम बैक और आज हम बात कर रहे हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम आ गए हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर नंबर 8 और इसकी ट्रिक्स भाई बहुत अच्छी है। देखो ट्रिक जो भी है ना सारी वो गेम क्या है, ट्रिक का गेम ये है कि आपको ट्रिक ना यूज करनी जरूर आनी चाहिए और मैं ट्रिक के लिए बार बार ये कहूंगा कि ट्रिक्स आधी से ज्यादा जो आपकी कन्वर्जन है ना वो हो जाएंगी आपकी आपके नेम रिएक्शन से। तो अगर आप नेम रिएक्शन अच्छे से कर लोगे तो आधी ज्यादा कन्वर्जन तो वैसे ही हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये अभी इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को ईजी हो जाए कि करना कैसे है। ठीक, ये जो है ये सारी ट्रिक्स लिख लिया करो और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो लिख लिया करो क्योंकि ये ट्रिक्स आपको रिवीजन के काम आएगी। मैं दोबारा दोबारा हर किसी उसमें बता चुका हूँ लेक्चर में कि ये रिवीजन के काम आएगी। तो आज हम तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अभी तक हमने एलोएल के एलोरिन की एक वीडियो कर ली, हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर की दो वीडियो कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल फिनॉल ईथर में ना ट्रिक्स बहुत सारी हैं तो वो दो मैंने कहा एक पार्ट में तुम ज्यादा पढ़ो से दो पार्ट में कम पढ़ लो और लो वो 37-38 मिनट्स की दोनों वीडियो होंगी मिला के। हेलो एल्केन हेलोरिन की 30 मिनट्स की थी। आई होप ये वाली वीडियो जल्दी खत्म होगी क्योंकि इसकी ट्रिक्स बड़ी स्पेसिफिक है और तुम्हें ट्रिक्स है सुनते सुनते भी याद करनी है, नेम रिएक्शंस भी है इसमें कुछ कुछ। बाकी क्या है क्योंकि एक साथ ही सब कुछ लिखा है तो हो सकता है इधर उधर हो जाए तो जब मैं बोल रहा होता हूँ तभी वो ट्रिक लिख लिया करो कि मैं ये बोल रहा हूँ R2 कभी कभी विजिबिलिटी कभी कभी लाइट आती है तो नहीं लिख पाता तो वही लिख लो। ठीक है, इसको जल्दी भगदड़ में मत करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको 8-9 नंबर दे रही है और बोर्ड के 8-9 नंबर अभी फ्री में मिल रहे हैं आपको क्यों नहीं करने। ठीक है, तो शुरू करते हैं एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स नहीं एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो और डोंट जज मी ऑन दिस बिकॉज बाहर ठंड है भाई, आज बहुत ठंड है एंड इट्स लाइक 6-7 डिग्रीज एंड इट्स वेरी कोल्ड। तो चलो जजमेंट कोई बात नहीं कर भी सकते हो तुम तुम्हारी मर्जी। तो ट्रिक्स हैं, सबसे पहली ट्रिक है R2CD प्लस R-COCl। R2CD का मतलब R का मतलब तो ग्रुप है, CD मतलब कैडमियम। कैडमियम के साथ एक खासियत है कि कैडमियम हमेशा दो बॉन्ड करता है तो उसने दो R के साथ बॉन्ड कर लिया। R-COCl कोई भी आपके पास COCl ग्रुप जो होता है एसाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? एसाइल क्लोराइड। ठीक, अब क्या करता है CD जो है दो Cl को निकाल के ले जाता है, CdCl2 माइनस हो गया और बच जाते हैं RCOR-. RCOR- का मतलब ये बन गया कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। तो जो सबसे पहली हमारी चैप्टर की जो ट्रिक है वो कीटोन की फॉर्मेशन की है। फिर हम आते हैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड, बहुत सारी रिएक्शन आएंगी इसमें दो है, एक है नेम रिएक्शन। सही आंसर पता है तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड की SnCl2 वाली SnCl2 वाली एक रिएक्शन है वो कोई नेम रिएक्शन है ढूंढो और कमेंट कर दो। और दूसरा है ये बहुत प्यारी सी रिएक्शन, RCN को RCHO कन्वर्ट करना है आपको डिमाल H और वाटर डाल दो, R पीछे वाला कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। ठीक, अच्छा एल्काइन को एल्डिहाइड में कैसे करें? RCH ट्रिपल बॉन्ड से एल्डिहाइड तो आपको HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 Hg is mercuric sulfate और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब साथ मिलाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो शिफ्ट होके CH2CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चौथी जो ट्रिक है वो है बेंजाल्डिहाइड में HCN डालने की। अब बेंजाल्डिहाइड में HCN कैसे डालते हैं जरा मैं सुन लो, हमेशा क्या करना होता है जब भी C के साथ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे H है इससे भी मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड हो गया ये बॉन्ड टूटता है HCN जुड़ता है, CN यहां से बॉन्ड टूटता है, CN जाता है C के पास और H जाता है O के पास जैसे ग्रीन कार्ड में होता था। तो ये बन जाता है CH के साथ CN और O के साथ H, HCN के नाम से भी आ सकता है और NaCN प्लस HCl के नाम से भी आ सकता है, NaCN प्लस HCl। ठीक, इसके अलावा टोलिन रिएजेंट के साथ बेंजाल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड, या आपको याद होगा कि टोलिन टेस्ट जो है एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है? सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं ना, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपने बेंजाल्डिहाइड में या किसी भी RCHO में अमोनिकल AgNO3 डाला मतलब टोलिन रिएजेंट डाला,
ठीक क्या बनेगा, एक बनेगा बेंजीन पे COO नेगेटिव या फिर R पे COO नेगेटिव, और 2AG जो है वो नीचे को ऐसे एरो दिखा रखा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट होगा जम गए। सिल्वर मिरर कहां से मिलेगा, सिल्वर से, वाटर और अमोनिया। तो मेजरली बेंजीन पे COO नेगेटिव या R पे COO नेगेटिव प्लस AG। इसके अलावा दो रिएक्शंस और हैं जो कन्वर्ट करती है किसको, कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में, यहां पे COC डबल बॉन्डों को CH2 में। कैसे करना है, या तो आप Zn प्लस कंसेंट्रेटेड HCl लगा दो, शायद कोई नहीं रिएक्शन हो, आई डोंट नो, या फिर NH2 प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल KOH और हीट कर दो, ये भी शायद कोई W से नहीं रिएक्शन शुरू होती है, नाम पता है तो कमेंट कर दो, बहुत सारी है, सारी कमेंट कर दो यार, खत्म करो टेंशन ले लो। तो ये भी भाई एक नेम रिएक्शन है। तो दोनों नेम रिएक्शन जो है सी डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करता है CH2 में, O हटाता है, दो हाइड्रोजन देता है, डन। इसके अलावा CH3CO ग्रुप, अगर आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट देखा है पता है, तो आपको पता है कि CH3CO ना कंपलसरी है। तो CH3CO से आयोडोफॉर्म कैसे बनाना है, कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। CH3CO के अलावा इधर H हो सकता है, R होता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी तैसी है, CH3CO होना चाहिए, डन। NaOH और I2 आयोडोफॉर्म टेस्ट में दो चीजें, या तो NaOH I2 दे देंगे या फिर NaOI दे देंगे, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जो भी R या H जो भी यहां पे है उसके साथ COON प्लस CHI3, ये CHI3 आयोडोफॉर्म कहलाता है, और ये येलो पीपीटी देता है बेटा, ये नेम रिएक्शन, ये एक डिस्टिंग्विशन टेस्ट भी है बट कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ जाती है। फिर एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड, इसके तो मैं करके दिखाऊंगा अभी, बेंजीन के ऊपर कोई भी R ग्रुप हो आपको क्या करना है, KMnO4 KOH और हाइड्रोलाइज कर देना हीट के साथ, वो कन्वर्ट होके बेंजीन पे COOH हो जाएगा, कोई भी R ग्रुप हो, कोई भी, अभी दिखाते हैं। इसके अलावा एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं एल्कोहल से पढ़ा, तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल ही है, एसिडिफाइड KMnO4, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वही सेम है। फिर एक रिएक्शन आती है ये वाली, मैं यहां पे दोबारा से थोड़ा सा बता रहा हूं, यहां बता रहा हूं, ये है सी डबल कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए डलता है NH2Z, Z कुछ भी एनीथिंग, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, यहां से O हटता है, यहां से H2 हटता है, H2O माइनस हो जाता है, बचता क्या कार्बन पे डबल बॉन्ड, और बचा क्या N और Z कुछ भी हो सकता है, फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ढंग से ऐसे देख लेंगे, सी डबल बॉन्ड NZ। फिर एक है बेंजोइक एसिड में PCl5 डालोगे तो COCl बन जाएगा, बेंजोइक क्लोराइड कहते हैं इसे, नहीं बेंजोइक क्लोराइड नहीं कहते हैं, बेंजोइक क्लोराइड तो CH2Cl होता है, और अगर बेंजोइक एसिड में NaOH और CaO और हीट डालोगे तो वो बेंजीन बन जाएगा। भाई ये कौन सी रिएक्शन है ये बता देना जरा, ठीक है, 11th क्लास की भी रिएक्शन है। फिर अगर आपको टोलिन से बेंजेनिहाइड बनाया, मैंने रिएक्शन नहीं लिखी बट इट ऐड कर देना, बेंजीन पे CH3 से बेंजीन पे CH2। इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड में अगर डाइल्यूट NaOH डालूंगा, कर दूंगा डाइल्यूट NaOH, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अगर मैं कंसंट्रेटेड NaOH डालूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल और RCOOH देगा, डाइल्यूट के साथ एल्डोल, कंसंट्रेटेड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल और RCOOH, मतलब कानिजारो देगा, डाइल्यूट के साथ एल्डोल, कंसंट्रेटेड के साथ कानिजारो, कानिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और उसमें एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, ठीक। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, इसमें क्या करना है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन हटा के COH के अगला जो अल्फा हाइड्रोजन हटा के एक्स लगाना है, और ये करता है रेड फॉस्फोरस प्लस H2, ये भी एक नई रिएक्शन है, काफी लंबा सा नाम, बड़ी छोटी सी रिएक्शन, और ये भी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ 15 करीब ट्रिक्स हैं आपकी इसकी चैप्टर नंबर 8 की, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें पर रिपीट क्वेश्चन है, तो हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के बारे में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्यादातर इस चैप्टर में आपको नेम वो करूंगा, क्या कहते हैं उसे, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी वाले क्वेश्चन, वो बड़े अच्छे होते हैं, तो पहले हल्के से करके चलते हैं फिर थोड़ा सा तगड़े करते हैं। बेंजीन से एसिटोफिनोल, अब ये जो है किसी ट्रिक में नहीं है बट ये 11th क्लास में है, PYQ शुरू कर दिया हमने, बेंजीन से एसिटोफिनोल, ठीक है, नोन ओनली,
बेंजीन होता है बेटा बेंजीन, और एसिटोफिनोल होता है बेंजीन पे क्या होता है सीओ सी एस थ्री। बेटा सिंपल रिएक्शन है, ग्यारहवीं क्लास की रिएक्शन है, सीओ सी एस थ्री कैसे डालते हैं, सी एस थ्री सीओ सी एल डाल दो, एनहाइड्रस एएलसीएल थ्री। शायद पिछले लेक्चर में आप लोगों ने वो करा है बेंजीन से टोलिन, सी एस थ्री सी एल डालते थे, इसमें बेंजीन से एसिटोफिनोल में सी एस थ्री सीओ सी एल डालो, उसे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं, इसे फ्रीडलक्राफ्ट एस्टाइलेशन कहते हैं, डायरेक्ट बन गया बेंजोफिनोल। इजी पीजी लेमन स्क्वीज। और देखते हैं भाई एक बड़ा ही प्यारा सही आगे, बेंजोइल क्लोराइड पे H2PDBSO4, हाँ H2PDBSO4, बेंजोइल क्लोराइड होता है बेंजीन पे, हाँ बेंजोइल क्लोराइड होता है COCl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड भाई, सही कह रहे हैं, सही कहा था मैंने, H2PDBASO4 भाई। ये भी एक नेम रिएक्शन है, सीए लगता है एच जुड़ जाता है, ये लिखी नहीं थी मैंने ट्रिक्स में, बट ये भी नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन कर लोगे अगली ट्रिक कंप्लीट है भाई। COCl से CHO H2PDBASO4 ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, बहुत बार कह मत देना फिर दिक्कत हो जाएगी। एक दे रहा है ये बड़ा सा अजीब सा, CH3CH CHCl डिबालेज, भाई डिबालेज पता है कहाँ है, कहीं पता है कुछ किसी को, डिबालेज प्लस H2O भी डालता है, क्या करते हैं भाई डिबालेज से अपने आप कर लोगे, चलो मैं तुम्हें बताया था डिबालेज क्या करते हैं, CN हटाते हैं CHO डालता है, तो पीछे का सब कुछ सेम रहेगा, इसको मैं यहां तक ले रहा हूं, ये बन जाएगा CH3CH CHCHO, बन गया डिबालेज, समझ में आ गया डिबालेज कैसे करते हैं। इसके अलावा आपको बोल रहा है एक इथाइन से इथेनॉल बना दो, भाई इथाइन क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है भाई, कोई रिएक्शन है जिसमें आइन से अल बन रहा हो, मैं भी डोरा बन गया हूं, क्या आप उसको देख सकते हैं, देखो तो एल्काइन से एल्डिहाइड, आइन से अल, क्या डालूंगा HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, समझ गए, सारी कोई ट्रिक काम आनी है भाई, और क्या ट्रिक ही काम आनी है, क्योंकि और क्या होना है, कुछ होना थोड़ी है, सेम 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 सेम। ये देखो भाई बड़ी प्यारी है, आपको तो पसंद भी आई क्योंकि पिछले चैप्टर की है, वो तो आपको आता ही होगा तभी तो इस चैप्टर पे आए हो, अब तो अपने जमीन में झांको और देखो कि सच में आता भी है नहीं, यहाँ पे कुछ ए बन रहा है, फिर NH2 NH CO NH2 और फिर बी बन रहा है भाई। पहले देखो एल्कोहल को CrO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब CrO3 एल्कोहल को जो कि 1-2 कितने डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है, क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो दो कार्बन जुड़ा है, जब 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है एनी गैसेस कीटोन, क्या बनता है कीटोन, ठीक है। ये इसका उल्टा वाला आपने शायद पिछले चैप्टर की उसमें देखा है क्वेश्चन में। अब NH2 NHCO NH2, कोई NH2 वाली कोई कोई ट्रिक है, NH2 कहीं दिख रहा हो, NH2 के साथ कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, NH2 होना चाहिए, ये रहा NH2Z, शायद समझाया भी था मैंने NH2Z। अब इसमें NH2Z में ये पूरा जो है Z है, क्या ये Z, NH2 में से H2 और O हट जाता है, क्या बनेगा इस पे डबल बॉन्ड N, और उसके बाद Z पूरा मतलब NHCO NH2, सिंपल लॉजिक, Z वाली रिएक्शन है ये वाली भाई, 10th ट्रिक, Z कुछ भी हो सकता है मुझे मतलब नहीं होना चाहिए उस बात से, बेंजाल्डिहाइड में HCN, ये तो रिएक्शन ही है ये रही, बेंजाल्डिहाइड में HCN कर लोगे, इसको तो मैं लिख ही नहीं रहा, बेकार है, और क्या कह रहा है, और कौन सा है, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ओ भाई बेंजाल्डिहाइड से अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, सॉरी गाइस ओके, एक आ गया ये बड़ा ही प्यारा,
CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O। अगर आपको खुद आता है ना तो आप ना पॉज कर लिया करो जो मैं लिख लिया करूँ। NH2, KOH, ग्लाइकोल, हीट। एक और अगर CH3CHO, कंसेंट्रेटेड NaOH। एक और है भाई HCl। ये मैं इसलिए दे रहा हूं आप लोगों की आप कुछ करो जिंदगी में, अपने आप कर सकते हो अब तो, अपने आप कर लिया करो रुक के। सारी ट्रिक आ गई सामने लिखी हुई, ट्रिक आपके बोर्ड पे लिखी हुई, नहीं दूरबीन देखना भाई। अब तो कुछ कर लो लाइफ में। देखो NH2 KOH थायलीन ग्लाइकोल और हीट का है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बोलते हैं, नेम रिएक्शन है, बट यहां पे भी है। डबल बॉन्ड उठता है H लग जाता है, क्या लगता है? डबल बॉन्ड उठता है H लग जाता है, तो C डबल बॉन्ड उठ के CH2 लग जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3। एक H तो था इसी, बस दो और आ गए, एक H था ही दो और आ गए, तीनों भाई कंसेंट्रेटेड NaOH। मैंने क्या बताया था कंसेंट्रेटेड NaOH को क्या लगती है, कौन सी रिएक्शन? कार्निजारो में क्या होता है, एक लगता है LDA 1 डिग्री अल्कोहल और दूसरा RCONA, ये पूरा R है, R पहले रहता है CH2OH प्लस R COO ना, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल ये रहा, R को R से दिक्कत नहीं करनी, CH2OH लगना है यहाँ पे, इधर कुछ भी हो, और इधर CO नहीं लगना है, इधर कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेने का, ये नहीं देखना कि भाई ये 3 डिग्री नहीं है भैया, ये 1 डिग्री है, ये पूरा R है CHO है। कंसेंट्रेटेड NaOH से वोल्केशनर, सॉरी कार्निजारो, और उससे डाइल्यूट से एल्डोल। HCN क्या करता है अभी बताया, बॉन्ड जुड़ता है O के साथ, जाता है H और यहां से जाएगा C। ये देखो यहां पे भी O के साथ चला गया था H और C के साथ क्या आ जाएगा? CN। अब यहां पे C तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब इसके साथ आएगा CN, इसलिए लिखवा रहा हूं कि कंफ्यूज ना हो। CCH5COCH3 NaOH2 क्या होता है? एड बॉन्ड टेस्ट। तो R की जगह C6H5 लिख दूं तो क्या बनेगा? C6H5COONA और CHI3 हाइड्रो बम, और ये प्रोडक्ट आ गया। अब A2BB2CC2D वाला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है C2H3OCl, ये A है, हमें नहीं पता क्या है, H2PDBSO4 हो रहा है इसके साथ, मतलब कुछ गलत नहीं हो रहा है इसके साथ, बस बोल रहे हैं कि सही हो रहा है, जो भी कंपाउंड बने उससे बनेगा C, डाइल्यूट NaOH करके, और जो भी बनेगा उससे बनेगा D, जो हम करेंगे हीट। अरे वाह गजब, क्लासेस में थे तो आराम से हो जाएगा, नहीं थे तो मुश्किल से हो जाएगा, पर मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक बार दोबारा बता देता हूं। H2PDBSO4 किस पे होता है? COCl पे। किस पे? COCl पे। तो पहले COCl निकाल लो इसमें से, A में से COCl निकाल लो, C है आपके पास, दो C है, एक निकाल लिया, एक बची है, O एक ही एक निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचा, Cl एक ही एक निकाल लिया, क्या बचा? H3। इसका मतलब A जो है वो CH3COCl है। अब A जो है CH3COCl है, इसके साथ H2PDBSO4 करता तो COCl की जगह क्या हो जाता है? CHO। तो ये क्या बन जाएगा? CH3CHO। एल्डिहाइड के साथ जब डाइल्यूट NaOH होता है तो बनती है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन। जो लोग क्लास में नहीं थे, मैंने इसलिए बोला क्लास में थे क्या भाई, जो क्लास में नहीं थे उन लोगों के लिए समझा रहा हूं एल्डोल के, सिंपल एक ट्रिक से पूरा नहीं समझा रहा। कितने कार्बन है इसमें? CH3CHO है, दो, राइट, दो का डबल करो कितने होते हैं? 1 2 3 4 लास्ट में लगा दो CHO,
लास्ट वाले के बाद सी एच ओ मत लगाना, लास्ट वाले पे ही एच ओ लगाना, दूसरे वाले के ऊपर, क्योंकि दो है ना, दो है ना, दो का डबल चार हुआ, तो दो के बाद लास्ट वाले पे तो लगा दे सी एच ओ, दो के बाद लगा दो ओ एच, अगर तीन होते तो तीन का डबल छह करते और तीन के बाद ओ एच लगाते, छठे के बाद सी एच ओ और तीन के बाद ओ एच लगाते, यहां पे फिर सी एच थ्री वो अपने बॉन्डिंग को ही कर लो। जब इसको एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो इसमें से वाटर निकलता है, क्या निकलता है वाटर, इधर से OH और यहां पे CH2 था, इधर से एक H, इधर से OH इधर से H निकल गया, क्या बचा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, तो A B C एंड D, ये जो क्वेश्चन है ये तीन नंबर का क्वेश्चन आया था, आया ही होगा, ये तीन नंबर का क्वेश्चन आया था 2015 में, नहीं दो नंबर का आया था, बट ये तीन नंबर का अभी आता है और ये काफी जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी और मौका मिलेगा तो हम वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं आपका, और बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की वीडियो भी बनाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही, पहले ये कर लेते हैं, ये वाला चैप्टर कर लेते हैं, ये उसके बाद एक और चैप्टर भी है बस, आज कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के भी गेम खेल लेते हैं, सारे ए से बी बी से सी वाले तो भाई ये सारे करा देता हूं, सी सिक्स एच फाइव बी आर एन जी ड्राई इथर डालेंगे, बनेगा कुछ, वो जो बनाएगा वो बनाएगा सीओ टू और एच थ्री ओ पॉजिटिव से, जो कुछ बनाएगा वो बनाएगा पी सी एल फाइव से। अब C6H5Br में Mg डाला, 6 चैप्टर का कांसेप्ट सोचो, RBr में Mg डालते हैं, रिएक्शन होती है पति पत्नी और वो, और ये रिएक्शन में पति पत्नी और वो के बीच में C6H5 के बाद Mg और फिर Br आ जाएगा। भाई एक और, ये एक और कांसेप्ट देखो, ये CO2 के साथ जब वो क्या करता है, ये ट्रिक नंबर 15 हो गई थी, 16वीं ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे लिख लो, देखो R Mg Br 16th ट्रिक है, ये ट्रिक एक्स्ट्रा है, MgX MgBr जो भी के साथ जब आप CO2 डालते हो, हमेशा क्या करना होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हो MgBr का, हमेशा चौथी बार चार पांच बार कर चुके हो आप ये वाले रिएक्शन, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, R जाएगा C के पास, ये जाएगा O के पास, ठीक है, क्या बनता है R C के पास गया था, C के पास पहले से डबल बॉन्ड होता और इधर लगेगा O M G Br, यहां मैं डबल बॉन्ड को साइड में लगा देता हूं जिससे कि वहां पे मेरे को जगह मिल जाए और ऊपर लगा देता O M G, और जब भी इसे क्योंकि साथ ही साथ हाइड्रोलाइज कर दिया इसमें से, यहां से ये हट जाता है और ये हो जाता है R C O O H, तो इसका मतलब है जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 डालते हो और हाइड्रोलाइज करते हो, क्या करते हो हाइड्रोलाइज, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 और हाइड्रोलाइज करा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब C6H5 के बाद COOH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, भाई बेंजोइक एसिड को PCl5 डालूंगा तो अभी थोड़ी देर पहले बेंजोइक एसिड में PCl5 डाला, क्या बनेगा बेंजीन पे C6H5 पे CO CL, समझो, ये क्वेश्चन जो था ये आया था डेढ़ नंबर का, कुछ डेढ़ नंबर का पार्ट है, ठीक है, तो आधा नंबर मिल रहा है आपको सॉल्व करने में, बट आपको आधा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, यहां तक है ट्रिक, ये है ग्रिग्नार्ड विद CO2 गेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नार्ड विद CO2 गेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक और ट्रिक आ गई, मैंने मतलब लिखी नहीं थी, देखो कितनी फनी बात है। अब CH3CN में SnCl2 plus HCl डाला और ये भी एक नेम रिएक्शन है, पहले बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, तो कुछ बना, फिर उसके बाद उसका डाइल्यूट NaOH करा तो कुछ और बना, और फिर उसको हीट कर दिया तो फिर कुछ और बना, CH3CN में SnCl2 plus HCl डालते ना तो ये कोई डिवाइडर वाला काम करती है, RCHO बना है, क्या बना दिए RCHO, और R की जगह क्या नाम है CH3, CH3CHO में डाइल्यूट NaOH डालोगे, बेटा मैंने अभी बताया था डाइल्यूट NaOH जब भी डालते हो एल्डोल होता है, क्या होता है
एल्डोल, और CH3CHO की एल्डोल तो अभी कर दी हमने, सेम टू सेम कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, और फिर बी डालोगे सेम टू सेम कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। तो देखो हाफ रिएक्शन के बाद भी कुछ और सेम हो सकता है, कंसेप्ट चाहिए आता है तो आपका आधा काम तो वही हो रहा है, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। एक और बेहतरीन, फिर मैं सारा मिटा के दोबारा आगे देखता हूँ कुछ और मिलता है तो, नहीं मोस्टली खत्म हो गया ये लास्ट ही। चलो CH3COOH में हम डाल रहे हैं PCl5, पहले बना नहीं चलते हैं पूरा रिएक्शन करने के लिए, क्या होता है PCl5 OH हटता है CH3COCl, इसमें हम डाल रहे हैं H2PdBSO4 H2PdBSO4 कोई नेम रिएक्शन है बताया था यहां पे लिखी है, COCl हटके क्या बन जाता है CHO, क्या बन गया ये नीचे ही आता हूं CH3CHO। फिर इसके बाद इसमें जो कंपाउंड बना उसमें दो चीजें होगी, एक और ये यहां पे पहले यहां वाली देख लेते हैं LiAlH4, बेटा LiAlH4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, आप लोगों को पता है कि रिड्यूसिंग, हेलो आप लोगों को पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में, ये पिछले चैप्टरों की वो चल रही है, ये कंसेप्ट पिछले चैप्टर का है ठीक है। और इधर एक और चीज रखिए, इसमें डाल रखा है CH3MgBr और H3O+, बेटा MgBr जब भी आता है 6 चैप्टर में भी था 7 में भी था अब 8 में भी आ गया है, जब भी आता है आप क्या करते हो हाइड्रोलाइज कर दिया ना, तो इसका जो ये CH3 है इसको यहां पे डाल दो CH3 क्या बनेगा ये, जब भी CH3MgBr और H2 डाला है ना, हाँ तो CH3MgBr डालूंगा पहले मैं, इसमें पूरा बना के देख लो क्या पता कोई दिक्कत हो जाए, CH3CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3MgBr, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बॉन्ड टूटा यहाँ से बॉन्ड टूटा CH3 यहाँ पे गया MgBr यहाँ पे गया, क्या बनता है इसके बाद, फिर हाइड्रोलाइज कर दिया ये बन गया, अच्छा पहले भी ना ये बन गया CH3CH CH3 OMG BR, ये भी पिछले चैप्टर का कंसेप्ट है, H3O पॉजिटिव डाला क्योंकि CO2 डाला नहीं, CO2 इस चैप्टर का है, H3O पॉजिटिव पिछले चैप्टर का है, ये पूरा कटेगा H जुड़ जाएगा CH3CH OH CH3, ये वो है कि एल्डिहाइड से जब हम ये पिछले चैप्टर का कंसेप्ट है, जब एल्डिहाइड में हम RMG निकालते हैं तो वो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल ठीक है। तो ये वो वाला कंसेप्ट है, पिछले चैप्टर के कंसेप्ट भी इस चैप्टर में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक चैप्टर का कंसेप्ट है, आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए, जैसे ही सारे कंसेप्ट आ जाएंगे आपको पूरी ऑर्गेनिक की जो मेन सार है वो आ जाएगा ठीक है। तो अभी तक 3 चैप्टर हो चुके हैं, आई होप इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे, 4th चैप्टर की वीडियो जो कि अमाइंस है उसकी वीडियो भी बहुत शॉर्टली आ रही है, ज्यादा उसमें कन्वर्जन्स की ट्रिक है नहीं, इसमें 16 ट्रिक्स निकली हमारी, अलग अलग ट्रिक्स हैं, बट ये सोच लो कि ये पूरा कंप्लीट है, बोर्ड का पेपर, GIE का पेपर, नीट का पेपर, कन्वर्जन, कंप्लीट द रिएक्शन, वर्ड प्रॉब्लम इनसे बाहर नहीं आएगी भाई, बस आपको फोकस करना है, प्रीवियस ईयर तो सारी मैंने करा दी, दोबारा लेके बैठो ट्रिक्स साथ में रखो, दोबारा करो 2-3 बार में ट्रिक्स रट जाएंगी, और जब ट्रिक्स रट जाएंगी फिर क्वेश्चन करो NCERT के एग्जाम्पल, बैक पे जाओगे बैक में व्हाट टफ है कर लो, वो भी मुझे क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ठीक है। सी एम बाय बाय।